हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ काले चने मैं कैसे बनाती हूँ। काले चने जो हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें बहुत से विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, हाई इन प्रोटीन एंड आयरन है, और साथ ही साथ इसमें फाइबर कॉन्टेंट भी काफ़ी मात्रा में होता है, और साथ ही ये लो इन फैट होता है। तो चलिए देख लेते हैं काले चने कैसे बनाने हैं, और साथ ही देख लेते हैं इंग्रीडियंट्स। काले चने बनाने के लिए मैंने एक कप काले चने ओवरनाइट भिगो के रख दिए थे, और इनके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए हमें बनाने के लिए वो हैं दो छोटे प्याज, एक इंच अदरक का टुकड़ा, 6-7 लहसुन की कलियां, एक हरी मिर्च, 3 टमाटर, हरा धनिया गार्निश के लिए, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला, और साथ ही सरसों का तेल 3 टेबलस्पून। इंग्रेडिएंट सब एक जैसा डालते हैं, हल्दी नमक मिर्च मसाले, लेकिन किसी के हाथ का स्वाद जो है वो ज़्यादा होता है और किसी के हाथ का कम होता है। ऐसा क्यों? ऐसा होता है टाइमिंग का, कि आप मसाले को कितनी देर भूनते हैं और कितनी देर किसी सब्जी को पकाते हैं। तो इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका खाना हमेशा, आपकी सब्जी जो है हमेशा टेस्टी ही बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंने पेस्ट बना लिया है। पेस्ट मैंने बहुत बारीक नहीं किया, आप ध्यान रखिए। इसके लिए आप प्याज को बहुत बारीक नहीं पीसेंगे, उससे उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। थोड़ा दरदरा पीसा है। चने हम कुकर में, कुकर को गर्म करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल 3 टेबलस्पून। अगर आप सरसों के तेल में नहीं बनाते हैं तो भी मैं कहूँगी कि आप एक बार सरसों के तेल में बना के देखिए। चने सरसों के तेल में बहुत अच्छे बनते हैं। तेल गर्म हो जाए, देखिए इसमें धुआं उठने लगा है। सरसों के तेल को गर्म करना ज़रूरी है अच्छी तरह से, और उसके बाद आप चाहें तो जीरा भी डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा। जीरा भुन जाए तो उसमें हमने ये जो मसाला पीसा है ये डाल देंगे। देखिए मैंने मसाला बहुत बारीक नहीं किया है। गैस मेरा सिंपल है, लो फ्लेम पर है, इसीलिए मैं डाल रही हूँ हल्दी और मिर्च। काले चने बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये कुकर में ही बनेंगे। पतीले में अगर आप इसको या कढ़ाई में बनाना चाहोगे तो इसको नहीं बना पाओगे, क्योंकि इसमें बनाने में बहुत, पकने में बहुत टाइम लगता है। मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, इसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। मसाला अच्छी तरह भूनने तक पकाना है। अगर आपको लगे कि आपका मसाला नीचे लग रहा है और भुना नहीं है तो आप 1 चम्मच पानी डाल सकते हैं, ज़्यादा पानी मत डालिए, और इसे अच्छी तरह से भून लीजिए। मसाला हमारा भून चुका है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ चॉप टमाटर, और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर बिल्कुल हमारे सॉफ्ट ना हो जाए। मैं इस पे इसमें थोड़ा नमक भी डाल रही हूँ। नमक डालने से टमाटर जल्दी पक जाएंगे। अब हम टमाटरों को ढककर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। गैस हमारा सिंपल ही है, हम इसको हाई फ्लेम नहीं करेंगे, जब मीडियम भी नहीं रख रही हूँ मैं इसको, ताकि हमारा मसाला जल ना जाए, और बीच बीच में हिलाना ना भूलें। देखिए हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। अभी स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे अपने चने। चने बनाते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें चने बॉईल करके फिर छौंका नहीं लगाना है, हमें कच्चे चनों को ही छौंका लगाना है, तभी टेस्टी बनेंगे। कई बार होता है कि हमें जल्दी होती है तो हम फटाफट पहले बॉईल करने के लिए रख देते हैं, ठीक है चने बॉयल होंगे तो हम फटाफट छौंका लगा लेंगे, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं आ पाता जैसा टेस्ट इन कच्चे चनों को छौंका लगाने में आता है। अब मैंने चने डाल दिए हैं। चने डालने के बाद हम तुरंत उसमें पानी नहीं डालेंगे,
इसको हम 10-15 मिनट तक इसी तरह से भूनेंगे चनों को, इसको कहते हैं राड देना। तो हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, तो हम इसको भूनने देते हैं ढककर और बीच बीच में हिलाते रहेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है मुझे, अब मैं इसको खुला ही रख के भूनूंगी और थोड़ा सा मीडियम पे कर दे रही हूँ फ्लेम। थोड़ी देर में मैं फिर इसे सिम पे कर दूंगी, थोड़ा सा पानी रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर आपके चनों में पानी ना हो तो आप उसे सिम पे ही भूनें। इसको तब तक भूनिए जब तक कि ऑयल आपको सेपरेट होता दिखाई ना दे, तभी आपके चने बहुत टेस्टी बनेंगे। देखिए चनों ने तेल छोड़ दिया है, तेल अलग हो रहा है सेपरेट उनसे, लेकिन तेल जब छोड़ दें उसके बाद भी 1-2 मिनट इसे अच्छी तरह से भूनने दें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आप थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिए क्योंकि चनों को पकने में टाइम लगता है, तो पानी सूखना नहीं चाहिए। अगर पानी सूख जाएगा आपका तो आपके चने जो हैं वो जल जाएंगे। अब मैं फ्लेम हाई पे कर रही हूँ और इसका ढक्कन लगा दे रही हूँ कुकर का, और साथ ही लगा दे रही हूँ इसका विसल। अब एक विसल आ जाएगी तो इसको हम सिम पे कर देंगे गैस को, और लगभग 30-35 मिनट इसको पकने देंगे। देखिए एक विसल बच गई है, अब हम इसे सिम पे करके 30-35 मिनट तक पकाएंगे। लीजिए हमारे काले चने बनकर तैयार हैं और देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। काले चनों को हम चावल, चपाती किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप भी इसे बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए आपके चने कैसे बने। तो मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।